ये ब्लड प्रेशर की दवा। श्रेया जी क्या हुआ साले साहब को? देखिए ना जीजा जी, वैभव की तबीयत अचानक खराब हो गई। ये तो लो बीपी का सिम्टम्स लग रहा है, लेकिन साले साहब को तो बीपी का प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे लो बीपी करने वाली दवाई का रैपर मिला था। कहीं साले साहब ने गलती से खा तो नहीं लिया? पर ये क्यों खाएंगे? पापा ने कुछ से नहीं खाई, मेरी गलती है। वो एक्चुअली श्रेया आंटी के साथ प्रैंक करने वाली थी मैं, जूस में कप्स की दवाई डाल के, पर वो शायद गलत दवाई थी और वो पापा ने पी लिया। पापा की तबीयत खराब हो गई। व्हाट? क्यों स्टूपिड लड़की, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। देखो तुम्हारे एक प्रैंक की वजह से मेरे हनी पाई की क्या हालत हो गई। आशा बेटा, आपने ये सब मजाक के लिए किया, लेकिन ऐसा करने से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। बच्चों को दवाई हमेशा बड़ों की निगरानी में ही लेना चाहिए। चीनी चीनी और नमक कहाँ पे? सब कुछ ना इस इडियट की वजह से हुए। बीपी तो काफी लो है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। हाँ हाँ दीजिए उनको। क्या पिला रही हो तुम उसे? जीजा जी ये चीनी और नमक का पानी पिला के देखते हैं, अगर फिर भी कंट्रोल में नहीं आया तो डॉक्टर को बुला लेंगे। हाँ। क्या किया तुमने? हाँ क्या पिला दिया उसे? अभी तो थोड़ा बहुत होश में था, अब तो बेहोश ही हो गया। ये होम रेडमेड के नाम पे क्या पिलाया तुमने उसे? थोड़ी देर वेट करते हैं, मम्मी की रेमेडी है, जरूर काम करेगी। और अगर काम नहीं किया तो तुम्हें ना मैं छोड़ूंगी नहीं। और तुम यहां पे क्या आंसू बहा रही हो? हाँ देख रही हो, सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुए। तो गुस्सा आ रहा है ना मुझे तुम पे, मन तो कर रहा है कि तुम्हें पनिश करूं। यू नो व्हाट, यू डिजर्व अ पनिशमेंट। हाथ मत लगाना बच्ची को, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूं। लेकिन अब और नहीं, आशा ने जो किया गलती से किया, जानबूझ के नहीं। अब तुम संभल के रहना वरना ठीक नहीं होगा। हाउ डेयर यू, हाँ मुझे धमकी दे रही हो? होती कौन हो तुम? आशा निकली मेरी बेटी है, मैं उसे प्यार करूं धमकाऊं या मारूं कुछ भी करूं मेरी मर्जी, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली?
और हाँ, एक बात याद रखना, तुम ना तो तुम आशा की कुछ लगती हो और ना ही वैभव की। श्रेया, श्रेया, वैभव, सोचना भी मत। वैभव, माय बेबी, यस बेबी, आई एम हियर। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कैसा फील हो रहा है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा ना बीपी बहुत लो हो गया था, वो तो थैंक गॉड मैंने तुम्हें टाइम पे सॉल्ट एंड शुगर का पानी दे दिया था और तुम ठीक हो गए। ये तो श्रेया जी ने। जीजा जी, रहने दीजिए, वैभव को आराम करने दीजिए, चलिए। श्रेया जी, आपने बोलने क्यों नहीं दिया? देखे कैसे पलटी मार के सारा क्रेडिट ले गई, चालाक लोमड़ी। श्रेया जी, जाने दीजिए, उसे क्रेडिट लेना है तो लेने दीजिए। वैसे भी वैभव की नजरों में महान बनने का मुझे कोई शौक नहीं है, खुश रहने दीजिए दोनों को। पूजा संपन्न होने जा रही है। अरे वाह। और घर के सारे सदस्यों को बुला लीजिए आरती करने के लिए। क्यों? ताकि उन सबकी भी विशेष पूरी हो जाए? नेवर, ये पूजा मैंने करवाई है तो इसके जितने भी बेनिफिट्स होंगे ना, सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलने चाहिए। हाँ, तो आरती भी पंडित जी मैं ही करूंगी और कोई भी नहीं। जैसी आपकी इच्छा जी। ये लो सविता। सविता, जब तक ये कंगन श्री के हाथों में रहेंगे तब तक कोई भी अनहोनी और अनर्थ नहीं हो पाएगा। ये श्री की शक्तियों को नियंत्रण में रखेगा। ये क्या फिर से आ गया? तुम्हें पता है मैं जब तुम्हारी जितनी छोटी थी ना, तो पापा हमें पिकनिक पे ले गए थे। वहाँ एक सुंदर सा पहाड़ था और उस पहाड़ के नीचे एक नदी बह रही थी। हम तीन चार शरारती बच्चे थे, नदी में पत्थर फेंकने लगे। मजा तो बड़ा आया पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। उस नदी में एक आदमी भी था, बेचारे को बहुत चोट लग गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हम डर के भाग गए और मैं तो इतना डर गई थी कि मैंने तो पापा को भी नहीं बताया। तुम्हारी जितनी ब्रेव जो नहीं थी मैं। तुम्हें पता है अनजाने में गलतियां सबसे होती है, लेकिन उस गलती को मानने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो आज तुमने मानी है सबके सामने। जो भी हो, मेरे पापा की तबीयत तो खराब हो गई ना मेरी वजह से, पर अब तो ठीक है ना? डोंट वरी। सच्ची? हाँ, पर आगे से ध्यान रखना, दवाइयों के साथ मजाक नहीं करते। अच्छा, वैसे तुम्हें मेरे साथ प्रैंक क्यों करना था? आप मेरे आगे पीछे घूम रही थी ना, तो मुझे आपके साथ प्रैंक करना था। सॉरी, मैंने आपके साथ प्रैंक करना चाहा फिर भी आपने मुझे डांटा नहीं। क्योंकि ये जो क्यूट फेस है ना तुम्हारा, इस पे सिर्फ प्यार ही आ सकता है, गुस्सा नहीं। थैंक यू मेरे पापा को ठीक करने के लिए।
I'm baby. I'm sorry. I'm so sorry. क्या है ना कि मामा बहुत टेंशन में थी, पापा को इतना बीमार देख के मैंने अपनी बेबी को बहुत डांटा ना. प्लीज मुझे माफ कर दो. प्लीज अपनी मामा को माफ करोगी ना? माफ तो मैं आपको नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से गुस्सा ही नहीं हुई हूँ. कहाँ खो गई हैं श्रेया जी? वो आशा के साथ जितना टाइम स्पेंड करती हूँ उतनी वो अपनी सी लगने लगती है. आज तो उसे गले लगा के एक सुकून सा मिला जो श्री को सीने से लगा के मिलता था. शायद मैं अपनी श्री को मिस कर रही हूँ. किधर है? आरती हो रही है, कहीं उसकी शक्तियां किसी के सामने ना आ जाए, कुछ हो ना जाए. श्री किधर है? दादी, आशा, दादी, देखो मुझे क्या हो रहा है. कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं. तुम इधर देखो, मुझे देखो. तुम उस पे ध्यान मत दो बेटा, कुछ नहीं है. तुम ये कंगन पहन लो, सब ठीक हो जाएगा. दूसरा कंगन कहाँ चला गया? दादी, दादी बहुत थकान लग रही है, बहुत थकान लग रही है. अच्छा अच्छा बेटा, तुम जाके आराम करो, कुछ नहीं हुआ. हाँ, दूसरा कंगन कहाँ चला गया? वाओ, कितना प्यारा बैंगल है. मेरा आदमी कितना अच्छा लगेगा. लक्ष्मी माता से क्या मांगू, क्या मांगू. इतनी सारी रोशनी कमरे में से कैसे? देखना पड़ेगा. हे माँ, क्या करूं? किसी ने आशा को अगर ऐसे देख लिया तो? Bob.
ये सब क्या है सविता जी? वो आज एकादशी है ना, तो इतने सारे दिए दिन में कोई जलाता है और वो भी कमरे के अंदर? वाह, कौन सो रहा है? आशा है, बहुत खेली ना तो थक गई है, आराम कर रही है। श्री की शक्तियां तो बढ़ती ही जा रही है, किसी ने इसे ऐसे देख लिया तो मुझे किसी भी हालत में इसे लक्ष्मी माँ का कंगन पहनाना ही होगा। तो कंगन है कहाँ? कहाँ होगा? कहाँ गया दूसरा कंगन? कहाँ खो गया? देख परी, मेरी न्यू बैंगल कितनी अच्छी लग रही है ना। मायरा, मायरा गुड़िया, ये कंगन तुझे कहाँ से मिला? इसे मुझे दे दे। नो सविता, ये मुझे मिला है ना तो ये मेरा है ना। अच्छा लग रहा है ना मेरे हाथ में? हाँ बेटा, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं ना तेरे लिए दूसरा कंगन लाई हूँ, तू इसे रख ले, वो मुझे दे दे। नो सविता, कितना ब्यूटीफुल है ये और कितना शाइन भी कर रहा है, मुझे यही चाहिए, तुम रखो इसे अपने पास। मैं तो यही रखूंगी। मायरा बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, दे दो मुझे। जिद तो आप कर रही है मम्मी जी। अगर मायरा को ये कंगन पसंद है तो रहने दीजिए ना, कंगन ही तो है। तुम समझ नहीं रही हो, ये मैं आशा के लिए लाई थी। तो आशा को ये दूसरा वाला दे दीजिएगा ना, वैसे भी अनाथ ही तो है, कुछ भी चलेगा उसे। अनाथ नहीं है वो, ये उसका घर है और ये कंगन मैं उसके लिए लाई थी तो वो ही पहनेगी। बुढ़िया इसे दे दो मुझे, तुम इसे रख लो। मम्मी मेरा कंगन। इट्स ओके बेबी, मम्मी जी को न जाने क्या हो गया, कल की आई हुई एक सड़क छाप अनाथ लड़की से इतना प्यार कि अपनी सक्की पोती के हाथ से कंगन छीन लिए। मायरा डोंट वरी, मैं आपके लिए नए कंगन लेकर आऊंगी। ओके, तुम अपने रूम में जाओ। मम्मी जी ना कभी नहीं बदलेंगे, पहले मेरे साथ पार्शलिटी करती थी, मेरी बेटी के साथ भी। गलत, मम्मी को ना पहले समझती थी और ना अब, तो बेटर होगा उनके अगेंस्ट कुछ ना कहो। तो